हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आज का सम स्पेशल टेट के लिए हम लोग इस वीडियो में इन्वायरमेंटल स्टडी का पेडागोजी सेक्शन को डिस्कस करेंगे ये क्लास नंबर ट्वेंटी फोर है इससे पहले क्लास आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज हम लोग इन्वायमेंटल स्टडी का पेडागोजी का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए इनमें से कौन सा ए का कैरेक्टर है ए बी एस इज ज्वाइंट फील्ड एक कैरेक्टर है ए बी एस इज रिलेवेंट ए वी करेक्टर है ए बी एस फोकस मोस्टली डिकल आइडिया एक कैरेक्टर नहीं है ई बी एस लर्नर फोकस है ए वी करेक्टर है यहाँ पे वन टू और फोर कैरेक्टर है वन टू फोर कहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर फोर में तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड कैन लर्न द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट टू ही सोशल इन्वायरमेंट ओनली विद द हेल्प ऑफ सोशल इन्वायरमेंट के बारे में चाइल्ड जो है इसके इसको कैसे सीख सकता है लर्न कर सकता है इन्वायरमेंट्र स्टडी का थ्रू सीख सकता है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हुच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वयरमेंट्री स्टडी इन्वायरमेंटल स्टडी का ऑब्जेक्टिव के बारे में आप सभी को बताना कौन सा ऑप्शन गलत है ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है यहाँ पे दिया है डेवलप द हैबिट ऑफ क्रेमिंग इन द चाइल्ड फॉर लेंदी टास्क विद द हेल्प ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस लेंदी टास्क को क्रेम करना यह इन्वायमेंट्रल स्टडी का ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं हो सकता है बाकी ए बी और डी ऑब्जेक्टिव है इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ ई वी का इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है कॉम्प्रीहड रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल सोशल एंड कल्चरल इन्वयमेंट सही है इट इज एम बे भी सही है एनक्रोजिंग रिटेंशन फॉर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ए वी एस इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में ऑप्शन जो दिया है गलत है इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल स्टडी इज डिफाइंड एज द ब्रांच डेट डील विद द तो इन्वायरमेंटल स्टडी जो है किसको कहा जाता है किसका ब्रांच को अप्रोच अबाउट नेचुरल वर्ल्ड एंड इम्पेक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन इट्स इंटीग्रिटी इसको कहा जाता है इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज इज़ इन्वायरमेंटल स्टडी का ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा है रेस कॉन्सियसनेस अबाउट इन्वायरमेंटल कंडीशन ए है टू टीस टूटीमेंटली अप्रोप्रियट बिहेवियर ए भी है क्रिएट एन एनवायरमेंटल इथिक्स एसेंसीटिविटी सोसाइटी ए भी करेक्टर है यानी यह भी ऑब्जेक्टिव है, है इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा ऑल ऑफ द बॉफ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड एनवायरमेंट इज डिराइव फ्रॉम एनवायरमेंट वर्ड जो कहाँ से डिराइव हुआ है डिराइव हुआ है फ्रेंच वर्ड से तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फोलिंग इज डिजरेबल प्रैक्टिस फॉर एन ए टीचर ए बी एस टीचर के लिए सबसे डिजरेबल प्रैक्टिस कौन सा है इनमें से है इनमें से ऑप्शन नंबर वन में जो दिया है एड्रेसिंग मल्टी कल्चर ऑफ डाइवर्स क्लासरूम ए जो है डिजिटेबल प्रैक्टिस है बेस्ट टीचर के लिए तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंटल स्टडी इज़ इन्वायरमेंटल स्टडी का प्राइम ऑब्जेक्टिव आप सभी को है इनमें से कौन सा प्राइम ऑब्जेक्टिव है चाइल्ड एक्वेंटेड विद द इमीडिएट सराउंडिंग जो है ये प्राइम ऑब्जेक्टिव ई का ई एस लर्निंग का है इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इवायरमेंटल स्टडी एट प्राइमरी लेवल प्राइमरी लेवल के अंदर कौन सा ऑब्जेक्टिव इनमें से नहीं है टू एनालाइज वेरियस इन्वायरमेंटल रिलेटेड कॉन्सेप्ट यानी एनालाइज करना वेरियस इन्वायरमेंटल रिलेटेड कॉन्सेप्ट को ये प्राइमरी लेवल के लिए ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ए बी एस एड प्राइमरी लेवल एज पर एन सी एफ टू थाउजेंड फाइव एन सी एफ दो हज़ार पाँच में आया था इसके हिसाब से प्राइमरी लेवल में ऑब्जेक्टिव आप सभी को पता है कौन सा नहीं है ई का इनमें से ऑप्शन नंबर जो फोर में दिया है टू डेवलप प्रिशाइस क्वान्टिटेटिव स्किल क्वान्टिटेटिव स्किल एमंग द चिल्ड्रेंस थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन्वामेंटल इशू ए जो है इन्वायरमेंटल स्टडी का ऑब्जेक्टिव प्राइमरी लेवल के अंदर नहीं हो सकता एनसीएफ के हिसाब से बाकी वन टू थ्री ए जो है ऑब्जेक्टिव है ईवीएस का प्राइमरी लेवल के अंदर इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इन मॉडर्न अप्रोच ऑफ लर्निंग मॉडर्न अप्रोच ऑफ लर्निंग के अंदर स्टूडेंट को फ्रीडम दिया जाता है सीखने के लिए खुद से अपने आप से इसको क्या बोला जाता है एक्टिव लर्निंग बोला जाता है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हिच टेक्नीज टेक्निक इज़ यूज इन रेटिंग स्केल रेटिंग स्केल के अंदर कौन सा टेक्निक का यूज किया जाता है चेकलिस्ट का यूज़ किया जाता है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विइच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ ई लर्निंग हेल्प स्टूडेंट इन डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने में ई का कौन सा अप्रोच हेल्प करता है उस अप्रोच का नाम है एक्सपेरिमेंट तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एन सी एफ टू थाउजेंड फाइव स्ट्रॉन्गली रिकॉमेंडेड टीचिंग ऑफ ई एट प्राइमरी स्टेज शुड बी प्राइमरी एम तो ई का प्राइमरी लेवल के अंदर किसके ऊपर मेन एम होना चाहिए लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द वर्ल्ड ए जो है ई का मेन एम होना चाहिए तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट वे स्पेशली एट प्राइमरी लेवल टू एड्रेस द लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ the student is टू यूज़ any प्राइमरी लेवल के अंदर best जो है लर्निंग डिफिकल्टी को एड्रेस करने के लिए इनमें से कौन सा हो सकता है ए variety ऑफ टीचिंग मेथड सुटेड टू द disability ए हो सकता है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्किल नीडेड बाय प्रेजेंट टीचर टू मेक क्लासरूम टीचिंग मोडिफिकट प्रेजेंट टीचर के लिए कौन सा स्किल ज़रूरी है नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उतना जरूरी नहीं है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम ट्रांजेक्शन क्लासरूम में क्लासरूम ट्रांजेक्शन के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाना यह सबसे ज़्यादा जरूरी है दोनों में से तो ऑप्शन टू ज़्यादा ज़रूरी है ऑप्शन वन से नॉलेज ऑफ स्टूडेंट ये भी ज़रूरी है कॉन्टेंट मास्टरी भी जरूरी है, है इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री टू थ्री फोर ज़्यादा ज़रूरी है प्रेजेंट टीचर के लिए तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्च ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट आई सी टी आई सी टी के बारे में बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है आई सी टी इज़ ए सब्सटीट्यूट फॉर ए टीचर ये ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता है आईसीटी जो है टीचर का सब्सिट्यूट है ये कभी ऑप्शन सही नहीं हो सकता है इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री क्योंकि यहाँ गलत ही बताना था इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट यूज ऑफ इंटरनेट इन टीचिंग टीचिंग के अंदर इंटरनेट का बेस्ट यूज क्या हो सकता है फॉर मेकिंग लर्निंग इंटरेक्टिव इसका बेस्ट यूज हो सकता है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेडागोजी विच इन्वॉल्व प्रोडक्टिव लर्निंग एंड फाइंडिंग न्यू सोल्यूशन टू प्रॉब्लम फेर मैनिपुलेशन ऑफ एग्जिटिंग इन्फॉर्मेशन एंड क्रिएशन ऑफ रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट आर पॉसिबल विथ आई सी इसको क्या बोला जाता है इसको कहा जाता है क्रिटिकल क्रिएटिव पेपडोलॉजी तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन परपोज ऑफ यूजिंग आई सी फॉर क्लासरूम टीचिंग इज आई का मेन परपोज क्लासरूम टीचिंग के अंदर क्या है क्यों है ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम ऑफ टीचिंग इसका मेन uh, परपोज है आई सी का क्लासरूम टीचिंग के अंदर यूज़ करने का इसीलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग काम्स अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स लर्निंग जो है किसके अंदर आता है ये आता है ई लर्निंग e के अंदर तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ आई सी इज़ आई का क्या ऑब्जेक्टिव है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मार्ट स्कूल टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ टीचर इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है बोथ वन एंड टू आई का ऑब्जेक्टिव है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पोज ऑफ आई सी टी यूज़ इन एजुकेशन इज टू आई सी टी का एजुकेशन में यूज़ करने का क्या परपोज है ऑप्टिमाइज्ड लर्निंग आउटकम इसका परपोज है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एन आइडिया स्किल और एटीट्यूड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहा जाता है तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी